नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को बीजेपी दफ्तर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्यों में अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 195 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसमें से आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारे गए पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह ने एक बड़ा ऐलान अब टिकट मिलने के बाद किया है। पवन सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार बता दें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। ट्वीट में पवन सिंह ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत दर्शाता है कि आज यहां पर चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पवन सिंह के बारे में आपको ये बता दें कि पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह को यहाँ पर टिकट दिया। पवन सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन पवन सिंह को उम्मीद थी कि वो बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार नहीं, बल्कि उन्हें पश्चिम बंगाल भेज दिया गया और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उतारा गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है।